द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 12। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि माउंटेन किंग कीशाओ को खोजते खोजते जंगल में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि कीशाओ उसके छोटे छोटे मॉन्स्टर से दुर्व्यवहार कर रहा है। माउंटेन किंग उसे रोकने के लिए उसे टच करती है, वैसे ही वो गिर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम यावया बाई को देखते हैं, जो कि बर्फ दर्पण की मदद से कीशाओ के मास्टर को खोज रही थी। अब बर्फ दर्पण की मदद से उसे टाउटी मिल जाता है। तभी कीशाओ का मास्टर कहता है कि ये मेरे शरीर को 10 वर्षों से इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें मुझे मारना होगा, नहीं तो ये मेरा इस्तेमाल करके बहुत से मासूमों की जान ले सकता है। पर कीशाओ के मास्टर ने यावयाव बाई की तलवार से अपनी जान खुद ही ले ली। कीशाओ को लगता है कि उसके मास्टर की जान यावयाव बाई ने ही ली है और वो उसे ही दोषी ठहराता है। और अब आगे यावयाव बाई इससे पहले कि कुछ कहती, कीशाओ उस पर हमला करने के लिए तैयार था। इसी बीच वहाँ माउंटेन किंग और लॉर्ड शू आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। लॉर्ड शू कहता है कि तुम्हारे मास्टर के मरने का कारण मैं पता लगा कर रहूंगा। तभी यावयाव बाई बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम लॉर्ड शू को देखते हैं, जो अपने साथ यावयाव बाई को भी लेकर आया है, लेकिन उसके खुद के सभी शिष्य उसके अगेंस्ट खड़े थे, यहाँ तक कि मिस लैंग भी। लॉर्ड शू कहता है कि भले ही मुझे सारी दुनिया के खिलाफ जाना पड़े, पर फिर भी मैं खुद यावयाव बाई का इलाज करूंगा। मिस लैंग कहती है कि डीमन हंटर विले ने पहले ही ये खबर फैला दी है कि कीशाओ के मास्टर को मारने वाली खुद यावयाव बाई है, क्या आप इन सब के खिलाफ जाएंगे? लॉर्ड शू कहता है कि मैं इस वक्त द अपोथेकरी हाउस का स्वामी नहीं, बल्कि एक आम आदमी बनकर कह रहा हूँ। अगर आप सब मेरी तरह यावयाव बाई पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं, तो मेरे लिए रास्ता बनाएं। यावयाव बाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना ब्लैक मॉन्स्टर को मार डाला और उसने बहुत से लोगों को बचाया, और इस हालात में हम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? इतना कहकर वो यावयाव बाई को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाते जाते वो यावयाव बाई की सारी बातों को याद करता है, जो उसने उससे कही थी। वहीं दूसरी तरफ हम राजकुमार को देखते हैं, जो कि एक जंगल में तूफान की वजह से फंस गया था और उस पर एक आत्मा ने हमला कर दिया। तभी वहाँ वो लड़की आती है जिसने की यावयाव बाई की जान बचाई थी, और अब राजकुमार वहाँ से भाग चुका था। अगले सीन में हम कीशाओ को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर के गुजर जाने के बाद काफी उदास और दुखी था। वो माउंट जिन टेंपल आया है और उन लोगों से मदद मांगता है। अगले सीन में हम लॉर्ड शू और यावयाव बाई को देखते हैं। लॉर्ड शू यावयाव बाई को बताता है कि अब से मैं आपका इलाज यहीं करूंगा, ये जगह आपके इलाज के लिए बिल्कुल सही है। वहीं दूसरी तरफ मिस लैंग अपने साथ काफी जड़ी बूटियां लाई होती हैं, पर अभी भी उसे सकाडा फ्लावर नहीं मिला। तभी उसका शिष्य उसे बताता है कि सकाडा फ्लावर जिन टेंपल के बगल में उगता है। अब जब लॉर्ड शू ने बाई के कारण माउंट जिन टेंपल से नाराजगी ले ही ली है, तो मुझे डर है कि हम कुछ समय बाद वहां से जड़ी बूटियां एकत्र नहीं कर पाएंगे। मिस लैंग कहती है कि शायद ये मैं कर सकती हूँ। दूसरी तरफ हम लॉर्ड शू को देखते हैं, जो कि पीच फ्लावर के पेड़ के नीचे बैठकर यावयाव बाई के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़कता है, जब भी मैं यावयाव बाई के बारे में सोचता हूँ, कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ? ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका मैं इलाज ना कर सकूं। दूसरी तरफ हम मिस लैंग को देखते हैं, जो कि माउंट जिन टेंपल आई है सकाडा फ्लावर लेने। तभी वहां के लोग उसे घेर लेते हैं और उन लोगों के साथ कीशाओ भी था। कीशाओ कहता है कि अभी अभी मेरे मास्टर की मृत्यु हुई है, फिर भी आप यहां अपनी मर्जी से जड़ी बूटी लेने आई हैं। मिस लैंग कहती है कि मेरे पिता जीवित थे, तब उन्होंने तुम्हारे मास्टर की कई बार मदद की थी। कीशाओ कहता है कि ऐसा लगता है कि आपके अलावा भी इस सकाडा फ्लावर की बहुत लोगों को जरूरत है। तभी वहां एक ग्रामीण आता है, उसे लॉर्ड शू ने सकाडा फ्लावर को लेने भेजा था, पर कीशाओ ना तो उस ग्रामीण को सकाडा फ्लावर ले जाने देता है और ना ही मिस लैंग को। वो कहता है कि अगर लॉर्ड शू को वाकई में सकाडा फ्लावर की जरूरत है, तो उसे कहो कि वो खुद आकर ले ले। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब लॉर्ड शू खुद माउंट जिन टेंपल के पीछे जाता है। कीशाओ कहता है कि जब तक आप यावयाव बाई का पक्ष लेते रहेंगे, तब तक मैं द अपोथेकरी हाउस को माफ नहीं करूंगा, मैंने पहले ही अपने लोगों को यावयाव बाई को पकड़ने के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ कीशाओ के लोग यावयाव बाई को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके लोगों को द अपोथेकरी हाउस के लोग घेर लेते हैं। तभी लॉर्ड शू कहता है कि तुम सच में काफी मूर्ख हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने द अपोथेकरी हाउस से निकलने से पहले कोई तैयारी नहीं की होगी? हा? अब लॉर्ड शू कीशाओ से कहता है कि तुम मुझे केवल 7 दिन की मोहलत दो, मैं 7 दिन के अंदर कोई तरीका सोचूंगा जिससे कि हम टाउटी को पकड़ सकते हैं। कीशाओ कहता है कि क्या होगा अगर तुम ये करने में सफल नहीं रहे? लॉर्ड शू कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसके बारे में पता ना लगा पाऊँ, आप सिर्फ यहाँ माउंट जिन टेम्पल में रहें और मेरे जवाब का इंतजार करें। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ
याओयाबाई लॉर्ड शू को उस लड़की के बारे में बताती है जिसने उसकी जान बचाई थी। उस लड़की का नाम होंगशिन है। वो बताती है कि होंगशिन मदद के लिए मेरे पास आई थी। उसने मुझसे कहा कि टाउटी ने बहुत से लोगों को बड़े बेरहमी से मार डाला और होंगशिन ही एकमात्र वो जरिया है जिससे कि मैं बेगुनाह साबित हो सकती हूँ, क्योंकि इसने राजकुमार की जान बचाई है। कहीं ये राक्षस टाउटी तो नहीं जिसने राजकुमार पर हमला किया था? अब ये लोग होंगशिन से मिलते हैं और उसकी चोट ठीक करने का उपाय सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाउटी जाकर किशाओ से मिलता है और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।